दाड़ी मुन्ना ना जरा कुड़िया ने चाहता है ये वालदेन तेंज ने जिम्मे हजरत अम्मा आमना सन हजरत अब्दुल्ला सन अस्तगफार 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 लाफरां दी सैड लैके असी मुनाफकां दी सैड लैके और कुफर दा साथ दे के अपनी बेईमानी दा इजहार करके हजूर दी गुलामी तो दूर होके थले चले गए हैं। ये साड़ियां अपनियां गुलामियां ने और साड़ियां अपनियां जहनी गुलामियां ने। असं कहने मौलवियों के पिछे की लगना, छोड़ो पर किसी दाड़ी मुन्ने के मगर लगने जेड़ा कुड़ियां भी नचाण वाला होवे अदा बेगैरत भी होवे और जेड़ा ये और जिंदे स्टेज ते और जिंदे सामने गल की जाए बई ए जड़ा सामने बैठा है इंदे वालदैन ते इंज ने जिम्मे हजूर दे वालदैन सन नकले कुफर अस्तगफार। सारे कहो अस्तगफार। हली कहंदे ने जी आशिक ने जी जुतियां ला के मदीने जांदे ने जी आशिक ने। तो जिस बगैरत दे सामने ए गल की जाए बई इंदे एड़ा दाड़ी मुन्ना ने जड़ा कुड़ियां ने चांदा है इंदे वालदेन तेंज ने जिम्मे हजरत अम्मा आमना सन हजरत अब्दुल्ला सन अस्तगफार 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 लानतुल्लाह अलल उची बोलो लानतुल्लाह। अति फिर भी कहने अस इयो जे गंदियां नु इशारा को सपोर्ट करना ही है साड़ी सपोर्ट इन गंदियां नु जेड़े कहंदे ने इंदे वालदेन इंज ने जिम्मे हजरत अम्मा आमना रजी अल्लाह तआला ना ते हजरत सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नु गंदियां हो इतना गंदे इतने गिर गए हो कि थानू अपने महबूब दे वालदेन दी इज्जत भी चली गई और अंबिया दी शान भी चली गई अंबिया दे रुतबे भी चले गए। अस्तगफार। इतने असी गिर गए असी कहने जी असी मुसलमान हाँ तो फिर मौलवी जनाब सानू चंगे नहीं लगते जेड़े सन ये पैगाम देंदे पैने कि दुनिया ले ओ किसे कोड़े दे पिछे ना लग जाए जे किसे मुनाफक दे पिछे ना लग जाए जे किसे गलत दे पिछे ना लग जाए जे किसे तुहाड़ी इज्जतां दे खेलण वाले दे पिछे ना लग जाए जे। हज़रत अज़ीम मकाम उन्हों अपना इमाम मनिया जे जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा नूं अपना इमाम मन के ते गुलाम इख्तियार और कुरान पाक दा एक फैसला है सूरह लुकमान के अंदर फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया उनके पिछे चल उनकी पैरवी कर उनके कदमां ते कदम रख जेड़ा तेनों अल्लाह तक लै जा। हज़रत मुजद्दद पाक ते फरमांदे ने आ फरमांदे ने असी रब नूं ते रब तां ही मन्ने असी रब नूं तां रब मन्ने जो साडे मुहम्मद दा रब है। सानू की पता होना सी साडा रब कौन है संत मुहम्मद मुस्तफा ने दस्सिया तुहाडा रब वहदहु ला शरीक। समझ आ रही है जी इहो जिहां अललियां तलंगियां बेवकूफां और जहलां उन्हां नूं पीर मन्ना उन्हां नूं पीर मन्ना नहीं अपना रहबर नहीं मन्ना उन्हां नूं रहनुमा नहीं मन्ना जिन्हां नूं अपनी पाकी दा इलम नहीं और जिन अपने नबी दी शान दा इलम नहीं और नबी दे वालदैन दी इज्जत दा मकाम दा ही पता नहीं। हज़रत अज़ीम मकाम इहो जे जुहला नूं तुसीं अपना ईमान दा इजहार करना है अपने ज़मीर दा इजहार करना है अपने वोट दा इजहार करना है अपने इस्लाम दा इजहार करना है ना 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 बल्कि ईमान का इजहार कर इो जानाल कि हजरत सफीना मैदान दे विचो जा रहे ने जंगल बियाबान है तो शेर हमला आवर हो गया शेर नु की चाहिए मास चाहिए शेरां दी खुराक मास हुंदी है उन्हें जिले जिमें वेख्या आख्या मेरी ते खुराक मिल गई है। हजरत अज़ीम मकाम तो जिमें झपटन लगा और जिमें हमला आवर होने लगा तो हजरत सफीना बोले हजूर ते सहाबी बोले तो आपने फरमाया या अबल हारिसी आना मौला रसूलिल्लाह ओ जंगल दे शेरा तेनों एक खबर होनी चाहिए मैं रसूलुल्लाह दा सच्चा गुलाम। एक बार फिर कहो जरा सुभानअल्लाह। हमने फरमाया या अबल हारिस तो फिर शान किंदी वधी जिन्होंने मुस्तफा नूं दी शान मन्नी जिन्हें मुस्तफा दी शान बोलो जिन्हें मुस्तफा दी शान जिन्हें मुस्तफा दी शान मन्नी शान तो उन्हां दी वध गई। आपने फरमाया ए जंगल दे शेर ए जंगल दे बादशाह मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम हाँ तो फिर की होया पहले वह खाण वास्ते आया सी हुण नजरां झुका के दुम हिला के तो कहिंदा सफीना जे तू उन्हां दा गुलाम है तो मैं भी उन्हां दा मन वाला शांत फिर हजूर दे गुलामां दी वध गई वधी गई कोई ना बोलो हजूर दे शान गुलामां दी शान वध गई। ए ते हजूर दे साहबी दी बात है हुण अगे चलो जरा हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद सारे कहो रहमतुल्लाह ताला फिर बोलो रहमतुल्लाह ताला फिर बोलो रहमतुल्लाह ताला एंड करके नहीं उच्ची जरा बोलो मैं मसला समझाने लगा वहां वो थे सहाबी।